हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं ऑन अपडेट सेट नल, यानी कि जब भी आप कोई अपडेट करेंगे अपने पेरेंट टेबल में, तो उसके चाइल्ड टेबल में उसकी उसका जो भी रिलेटेड रिकॉर्ड होगा वहाँ नल सेट हो जाएगा। ओके, सो टेबल मेरे पास एक ही है एम्प्लॉय नाम का, उसमें मैंने रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर दिया। अभी हम लोग सिर्फ एक टेबल क्रिएट करने वाले डिपार्टमेंट नाम का, जिसमें हम लोग करेंगे ऑन अपडेट सेट नल। याद रखिए, जब भी आप सेट नल यूज़ करते हैं तो यहाँ जो भी फॉरेन की का जो कॉलम आप क्रिएट करते हैं वहाँ नॉट नल नहीं लिखा होना चाहिए। नॉट नल लिखा है तो आपको एरर मिलेगा और ये फॉरेन की आपका क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, सो इंटरफेस करते हैं, ये क्रिएट हो गया। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग देख पाएँ। ओके, पेस्ट और हिट इंटर। ओके, सो हमारे पास अभी अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ, एम्प्लॉई नाम का के टेबल में ये डेटा और डिपार्टमेंट नाम के टेबल में क्या डेटा है देखते हैं। डिपार्टमेंट डेटा तो वही है जो था। ओके, अभी हम लोग इसमें चेंज करने वाले हैं इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग चेंज करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि मैं ईआईडी को 1 को फिर से 10 करूँगा, तो अपडेट एम्प्लॉय सेट ईआईडी इक्वल 10 वेयर ई आई डी इक्वल 1। ओके, ये चेंज हो गया। अभी हम लोग सबसे पहले एम्प्लॉई टेबल को देख लेते हैं। ओके, ये देखिए 1 था तो ये 10 हो गया, नीचे आ जाता है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करता है रूल को। ओके, सो ये नीचे आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें क्या इफेक्ट पड़ा। तो डिपार्टमेंट टेबल जैसे देखते हैं, जहाँ जहाँ 1 था वहाँ वहाँ नल सेट हो गया, तो यही है ऑन अपडेट सेट नल। क्लियर है? ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।